हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है जैन हक्का नूडल्स। हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम कुकिंग विद पिंकी। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने लिया है ये आधा पैकेट नूडल्स और हमने एक पैन में ये पानी रखा है बॉईल होने के लिए। उसमें हम लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग आधा चम्मच। जब ये पानी बॉईल होने लग जाएगा तब हम इसमें इस तरह से ये नूडल्स डालेंगे। इसे पकने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारे नूडल्स भी पक गए हैं। अब हम इनको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके ना। इसका सारा पानी हम निकलने देंगे। अभी हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमने लिया है रेड पेपर, येलो पेपर, कैबेज, कैप्सिकम, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हक्का नूडल्स मसाला, विनीगर, चिली सॉस। इन सबको हमने इस तरह से कट किया है पतला लंबा। अब हम सबसे पहले एक पैन में हमने ऑयल लिया है, वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें सबसे पहले ये ग्रीन मिर्ची डालेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाया है। अब हम इसमें कैबेज डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां पक गई है। हमने लगभग इसे 2 से 3 मिनट पकाया है, हमको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हक्का नूडल्स मसाला और हम इसमें डालेंगे ये नूडल्स। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनीगर, दो छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे हक्का नूडल्स तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
थैंक यू।